नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जिसको मैं बताने जा रहा हूँ, यमराज ने खुद का स्वयं कहा कि जो व्यक्ति किसी दूसरे की बुराई करता है, चुगली करता है, वो स्वयं पाप का भागी होता है। अगर आप किसी की बुराई करते हो, किसी की चुगली करते हो, किसी के बारे में कहते हो, तो वास्तव में आप पाप के भागी बनोगे। इसका मैं रहस्य आपको इस कहानी से जोड़ रहा हूँ। एक राजा थे, वो प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। उनके आंगन में भोजन बनता था, रसोईया भोजन बनाता था, प्रतिदिन उनका यही काम था राजा का, ब्राह्मणों को भोजन कराना। एक समय एक चील अपने पंजों में नागराज सर्प को दबा के निकली। जब चील निकल रही थी, नागराज तड़प रहे थे। वो अपनी आत्मरक्षा के लिए वहीं से चील निकली जहां पर राजा के महल में ब्राह्मणों के लिए भोजन बन रहा था, जहां पर खीर बन रही थी। ऊपर से जब चील निकली और नागराज ने देखा, इस खीर में उन्होंने अपना जहर छोड़ दिया कि जिससे मेरी जान बच जाए। मगर नागराज ने जहर छोड़ा, मगर वो जहर ना तो रसोईया ने देखा था कि इसमें जहर गिरा, और वो ही भोजन ब्राह्मणों को खिला दिया। जब ब्राह्मणों ने ये भोजन पाया तो लगभग हजारों की ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। जब हजारों ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई तो चर्चा का माहौल बन गया। जगह जगह राजा चक्कर में पड़ गया, ये क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इसकी बात जब यमराज के ऊपर पहुंची, यमराज के यहाँ चर्चा चलने लगी कि राजा के यहाँ खीर बन रही थी, चील सर्प को ले जा रही थी, सर्प ने जहर फेंका और जहर से हजारों ब्राह्मणों की मौत हो गई, ब्रह्म हत्या लग गई राजा को। अब इसका पाप का पाप किसके खाते में जाएगा, इसका पाप कौन भोगेगा। अब यमराज भी उनकी फाइल में इस बात का, उनके संविधान में इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि इसमें कौन पाप बनेगा। नंबर एक चील, नंबर दो सांप, नंबर तीन राजा, नंबर चार क्या रसोईया। चारों लोगों में यमराज को फैसला करने पे मजबूर हो गए। वो फैसला यमराज ने पेंडिंग में डाल दिया। अब वो यमराज क्या करें, इसका फैसला कैसे हो कि अब क्या होता है। ब्रह्म हत्या का पाप राजा पर लग गया। अब एक दिन यमराज अपने दूतों को लेकर उसी राजा के यहाँ आए। रास्ते में उन्हें एक महिला मिली और महिला से पूछा कि जो राजा ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसका महल किधर है, क्योंकि यमराज ब्राह्मणों का भेष बनाकर आए थे। जब राजा यमराज ब्राह्मणों का भेष बनाकर आए थे तब क्या होता है, वो महिला कहती है, वो स्वयं यमराज थे मगर ब्राह्मण, महिला कहती है राजा के यहाँ भोजन मत करना। राजा ने तो खाने में जहर मिलवा दिया, भोजन में जहर मिलवा दिया, जिससे ब्राह्मण मर गए, आप भी मर जाओगे, इसलिए आप भोजन वहां नहीं करना। अब क्या होता है, क्योंकि इसका जब राजा के यहाँ ब्रह्म हत्या का दोष लगा तो यमराज ने कहा फैसला हो गया। कैसा फैसला हो गया, क्योंकि इसको बुराई करने में बहुत ही आनंद आ रहा है, किसी की बुराई करने में, किसी की चुगली करने में इस महिला को बहुत आनंद आ रहा है कि राजा के यहाँ लोग मरे। राजा को तो दुख है, रसोईया को भी दुख है, चील को भी दुख है, सांप को भी दुख है, लेकिन इससे बहुत आनंद आ रहा है। बिन करे में बहुत मजा आता है, लोगों को चुगली करने में बहुत मजा आता है, बुराई करने में बहुत मजा आता है, एक दूसरे को लड़ाने में बहुत मजा आता है। इसलिए यमराज ने सारा फैसला उसी महिला के ऊपर डाल दिया, महिला को पापी का भागी बना दिया। इसीलिए कहते हैं किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यमराज ने खुद कहा जो
जो दूसरे की बुराई करता है तो वो ही पाप करता है। लोग कहते हैं कि जो हमेशा पुण्य करते हैं वो कष्ट क्यों रहते हैं, लोग दुखी क्यों रहते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी की अगर चुगली करेंगे तो उनका जो पाप होगा वो इस धरती से खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी की बुराई करोगे तो उसका इधर ट्रांसफर हो जाएगा। आपको इस कहानी से यही सीख मिलती है, यही शिक्षा मिलती है, किसी की कभी बुराई नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।